आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है यह सौर मंडल का पांचवा बड़ा ग्रह है। कौन सा? पांचवा। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सौर मंडल में स्थान कौन सा है? पांचवा। और जब हम सूर्य से दूरी के संदर्भ में बात करते हैं तो सूर्य से दूरी के संदर्भ में पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ठीक है। आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, तो पृथ्वी आकार की दृष्टि से सौर मंडल का पांचवा बड़ा ग्रह है, जबकि सूर्य से दूरी के संदर्भ में पृथ्वी तीसरा बड़ा ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी के 71% भाग पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, और 29% भाग पर स्थल का विस्तार है, ठीक है। एक बात हमको ये ध्यान रखनी है कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है और 29% भाग पर स्थल का विस्तार है। इस कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के 31% भाग पर जल है तथा 29% भाग पर स्थल है। इस कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। कॉपरनिकस ने, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे ये कॉपरनिकस, कॉपरनिकस ने पृथ्वी का आकार गेंद के समान बताया। किसके समान बताया? गेंद के समान। किसने? कॉपरनिकस ने पृथ्वी का आकार गेंद के समान बताया, जबकि न्यूटन ने यह नारंगी के समान बताई। कॉपरनिकस ने पृथ्वी को गेंद के समान बताया, जबकि न्यूटन ने किसके समान बताया? नारंगी के समान बताया, ठीक है। पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट आकार होता है। क्या होता है? पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट आकार होता है जिसे जियोड कहा जाता है। एक बात आपको यह ध्यान रखनी है कि पृथ्वी का अपना विशिष्ट आकार होता है जिसे क्या कहा जाता है? जियोड कहा जाता है, ठीक है। एक पृथ्वी की आकृति को लध्वक्ष गोलाब, इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है। पृथ्वी का अपना विशिष्ट आकार है जिसे जियोड कहा जाता है, और पृथ्वी की आकृति है उसको क्या कहा जाता है? लध्वक्ष गोलाब कहा जाता है, ऑब्लेट स्फेरॉइड कहा जाता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? पृथ्वी सौर मंडल का आकार के दृष्टि से पांचवा बड़ा ग्रह है, सूर्य से दूरी के संदर्भ में पृथ्वी का स्थान है तीसरा, ठीक है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है तथा 29% भाग पर स्थल पाया जाता है। इस कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कॉपरनिकस ने पृथ्वी का आकार कैसा बताया? गेंद के समान, जबकि न्यूटन ने किसके समान बताया? नारंगी के समान। पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट आकार होता है जिसको जियोड कहा जाता है, और पृथ्वी की जो आकृति है वो कैसी है? ऑब्लेट स्फेरॉइड या लध्वक्ष गोलाब के समान है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? इसके आगे जब हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो देखिए पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है और यह पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास है, ठीक है। ध्रुवों से ध्रुव को मिलाने वाला ध्रुवीय व्यास और ये विषुवतीय व्यास। पृथ्वी का विषुवीय व्यास बारह हजार सात सौ सत्तावन किलोमीटर, कितना है? 12,757 किलोमीटर। और जब हम पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास की बात करते हैं तो यह है 12,714 किलोमीटर, ठीक है। इससे हमें यह पता पड़ता है कि ध्रुवों की तुलना में पृथ्वी थोड़ी विषुवत रेखा पर
ज्यादा लंबी है, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास कितना है, 12,757 किलोमीटर, और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर, ठीक है। कॉलेज व्याख्याता की परीक्षा में पूछा गया था कि पृथ्वी की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है, या तो हमें ये दोनों याद होने चाहिए ताकि हम इसमें से इसको घटा लें, या फिर आपको सीधा याद होना चाहिए 43 किलोमीटर, कि पृथ्वी की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है, 43 किलोमीटर। 12,757 में से हम कितना माइनस करेंगे, 12,714, तो कितना आ जाएगा, 43 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, ठीक है। आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब कभी भी सीधा नहीं होता है, आपने जब भी ग्लोब को देखा होगा ग्लोब एक तरफ झुका हुआ होता है। क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारी पृथ्वी है ये बिल्कुल सीधी, अक्ष के सहारे बिल्कुल सीधी ना हो करके बल्कि झुकी हुई है, और कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमारी जो पृथ्वी है वो अक्ष के सहारे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। इसको कहा जाता है अक्ष और इसको कहा जाता है कक्ष। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, हमें प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है या पृथ्वी का कक्षीय झुकाव कितना है। जब हमसे पूछा जाए कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है तो हमें यह पता होना चाहिए पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री। और जब ये पूछा जाए कि पृथ्वी का कक्षीय झुकाव कितना है तो पृथ्वी का कक्षीय झुकाव कितना है, 66.5 डिग्री, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? तो अभी हमने पढ़ा कि पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास कितना होता है, 12,757 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास का अंतर, मतलब पृथ्वी की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है, 43 किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी के जब अक्षीय झुकाव की बात करते हैं तो पृथ्वी अपने अक्ष के साथ 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि अपने कक्ष के साथ, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यह है कक्षीय झुकाव और ये है अक्षीय झुकाव, ठीक है। इसके बाद आती है पृथ्वी की गतियां, ठीक है, अर्थ्स मोशन। जब हम पृथ्वी की गतियों की बात करते हैं तो पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है, एक घूर्णन गति तथा एक परिक्रमण गति। कौन कौन सी? पहली है घूर्णन गति अथवा परिभ्रमण गति, इंग्लिश में इसको कहा जाता है रोटेशन, और दूसरी है परिक्रमण गति, रिवॉल्यूशन, ठीक है। पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है, एक घूर्णन गति या परिभ्रमण गति जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रोटेशन, दूसरी है परिक्रमण गति जिसको कहा जाता है रिवॉल्यूशन। सबसे पहले आती है घूर्णन गति। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति क्या होती है? जब पृथ्वी अपने घूमकर चक्कर लगाती है उसको कहा जाता है घूर्णन गति। क्या कहा जाता है? जब पृथ्वी अपने अक्ष के सहारे पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है उसको कहा जाता है घूर्णन गति। ये गति लट्टू के समान होती है, आपने लट्टू को घूमते हुए देखा होगा, ठीक है। किसके समान होती है ये गति? लट्टू के समान होती है। तो हमने दो चीज पढ़ी इसमें, एक अक्ष के सहारे
दूसरा पश्चिम से पूर्व, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है, किसके सहारे? अक्ष के सहारे, किधर से किधर की तरफ? पश्चिम से पूर्व की तरफ। जो गति करती है उसको क्या कहा जाता है? घूर्णन गति कहा जाता है, ठीक है। यह घूर्णन गति सोलह सौ दस किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करती है। पृथ्वी अपनी घूर्णन गति किस गति से करती है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करती है। और पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, ठीक है। कितना समय लगता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। इसे पृथ्वी का घूर्णन काल कहा जाता है, ठीक है। घूर्णन गति में हमने क्या पढ़ा? पृथ्वी अपने अक्ष के सहारे पश्चिम से पूर्व की ओर जो चक्कर लगाती है उसको घूर्णन गति कहा जाता है, ठीक है। यह गति 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में करती है, ठीक है। इस समय को कहा जाता है घूर्णन काल। यहां तक तो कोई दिक्कत? अब जब ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कर रही है तो इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, ठीक है। ये पूछा जाता है तो पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव क्या क्या है, तो आपको ये याद रखना है। पहला, दिन व रात का बनना, ठीक है। पहला प्रभाव क्या पड़ता है पृथ्वी की घूर्णन गति का? दिन तथा का बनना। कैसे बनते हैं? देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये इसका ए बिंदु है, ये इसका बी बिंदु है, और यहां पर सूर्य है, ठीक है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आ रही है तो इस वाले भाग में क्या होता है? दिन होता है। और इस वाले भाग में क्या होती है? रात होती है। पृथ्वी का जो भाग इस सूर्य के सामने रहता है वहां पे होता है दिन, और पृथ्वी का जो विपरीत भाग है उस पे रहती है रात। अब हमने पढ़ा पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। किस दिशा में घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये वाला भाग इधर की तरफ आने लगेगा और ये वाला भाग घूम के पीछे की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। घूर्णन गति पश्चिम से पूर्व की तरफ अपन ने पढ़ी। तो जो भाग सूर्य के सामने होगा वहां पे होता है दिन, और जो भाग सूर्य के विपरीत दिशा में होता है वहां पे होती है रात। आप इसको यूं मान लीजिए कि मैं पृथ्वी, सामने वाला भाग यहां पे क्या है? दिन, और पीछे वाले भाग पे क्या है? रात। अब अपन को किधर घुमाना है पृथ्वी को? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जब हम इसको यूं घुमाएंगे, ठीक है, तो ये वाला भाग जब सामने आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? दिन। और जो पहले सामने था वहां पे अब क्या हो जाएगी? रात। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या बनते हैं? दिन तथा रात बनते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ज्वार तथा भाटा की उत्पत्ति, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? ज्वार तथा भाटा की उत्पत्ति। ज्वार भाटा आपने नाम सुना होगा, क्या होता है ज्वार भाटा? सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के द्वारा सागर के जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, तथा नीचे बैठना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। अगर आपने ये आगे आएगा ओशनोग्राफी में अपन पढ़ेंगे तो ज्वार तथा भाटा कैसे आते हैं। अभी आपको केवल इतना सा याद रखना है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के दो प्रभाव होते हैं, पहला दिन तथा रात का बनना, दूसरा ज्वार तथा भाटा की उत्पत्ति, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? आपको ये याद रखना है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के दो प्रभाव होते हैं, दिन व रात का बनना और ज्वार तथा भाटा की उत्पत्ति। जब हम परिक्रमण गति की बात करते हैं, ठीक है, तो परिक्रमण गति क्या होती है? कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर,
पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि पृथ्वी कहां पर, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में, इसमें दीर्घवृत्ताकार पथ में, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में जो गति करती है उसे क्या कहा जाता है, परिक्रमण गति कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो कोई भगवान की मूर्ति होती है, उसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसको कहते हैं परिक्रमा करना। तो जब किसी के चारों ओर चक्कर लगाया जाता है उसको परिक्रमा कहा जाता है। तो पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। किस पथ में लगा रही है, दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रही है। दीर्घ वृत्ताकार पथ क्या होता है ये देखिए, यहां पर क्या होता है, सूर्य, और यहां पे क्या है, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी इस प्रकार से इस सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में क्या करती है, चक्कर लगाती है। इसको कहा जाता है परिक्रमण गति। यह गति पृथ्वी कितने समय में पूरा करती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 46 सेकंड। ये आपको समय अवधि याद रखनी है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 46 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। इसे कहा जाता है पृथ्वी का परिक्रमण काल। क्या कहा जाता है इसको, पृथ्वी का परिक्रमण काल कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण गति कहा जाता है। एक चक्कर पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 46 सेकंड में पूरा करती है, इसे कहा जाता है पृथ्वी का परिक्रमण काल। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अरे एक चीज देखिए, जब पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगी तो एक स्थिति में पृथ्वी इस सूर्य के नजदीक होती है तथा एक स्थिति में पृथ्वी इस सूर्य से दूर होती है। स्थितियों को कहा जाता है उपसौर और अपसौर। क्या कहा जाता है, उपसौर तथा अपसौर। ठीक है, क्या होते हैं उपसौर तथा अपसौर, उपसौर तथा अपसौर। इंग्लिश में इसको कहा जाता है पेरिहिलियन और इसको कहा जाता है एपिहिलियन। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाती है। यहां पे क्या होता है, सूर्य। ठीक है, यहां पे क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। एक चीज ध्यान रखना, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की औसत दूरी 14.9 करोड़ मीटर है। ठीक है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी कितनी है, 14.9 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, जब पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रही है तो एक स्थिति में पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है और एक स्थिति में पृथ्वी सूर्य से दूर होती है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है उस स्थिति को कहा जाता है उपसौर। ठीक है, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। यह दूरी होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। कितनी होती है यह दूरी, 14.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, यह स्थिति कब उत्पन्न होती है, 3 G
जनवरी को, ठीक है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जब न्यूनतम दूरी होती है उस स्थिति को उपसौर या पेरिहेलियन कहा जाता है। इस स्थिति में सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है तथा यह स्थिति 3 जनवरी के दिन होती है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अपसौर की। अपसौर की स्थिति क्या होती है? जब सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है, किसके मध्य? सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य जब सर्वाधिक दूरी होती है इस स्थिति को कहा जाता है अपसौर, एपिहेलियन। जब सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है इस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। यह दूरी होती है लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, हमने देखा पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की औसत दूरी कितनी है, 14.9 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जब उपसौर की स्थिति होती है, अर्थात जब सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर, तथा पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जब ये दूरी सर्वाधिक होती है तो ये कितनी होती है, लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, अपसौर या एपिहेलियन कहा जाता है। और यह स्थिति चार जुलाई के दिन प्रकट होती है। ठीक है, उपसौर की स्थिति प्रकट होती है 3 जनवरी को और अपसौर की स्थिति कब प्रकट होती है, 4 जुलाई को प्रकट होती है। ठीक है, उपसौर तथा अपसौर में हमने क्या पढ़ा कि जब पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। इस स्थिति में सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है और यह स्थिति 3 जनवरी के दिन प्रकट होती है, जबकि जब सूर्य तथा चंद्र को पृथ्वी के मध्य की दूरी सर्वाधिक होती है उस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। इस स्थिति में दूरी कितनी होती है, 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है तथा यह किस तारीख को प्रकट होती है, 4 जुलाई को प्रकट होती है। ठीक है, अपना अगला टॉपिक है पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, देखिए ये हमारी पृथ्वी है, इसमें हमने पढ़ा विषुवत रेखा, इसे कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को जाता है कर्क रेखा। ठीक है, अभी के लिए हमारे पास ये 3 रेखाएं हैं। कर्क रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा किसे कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं कि इन रेखाओं के सहारे सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होता है। जबकि आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि सूर्य की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस कारण जब ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति करती है तो इसके सापेक्ष सूर्य की स्थिति में क्या देखा जाता है, परिवर्तन देखा जाता है। जबकि सूर्य अपनी जगह पर स्थित है और पृथ्वी गति कर रही है। एक चीज ध्यान देना, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती, ठीक है, हमने पढ़ा पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन आप ये मानिए कि अगर ये पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती तथा
सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति भी नहीं करती। तो इस सूर्य की किरणें इस विषुवत रेखा पे वर्ष भर क्या पड़ती, सीधी पड़ती। ठीक है, पृथ्वी की में भी कोई गति नहीं हो रही, सूर्य में भी कोई गति नहीं हो रही, तो इस सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर विषुवत रेखा पे वर्ष भर सीधी पड़ती। लेकिन पृथ्वी के अक्षीय झुकाव किसके कारण, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव तथा परिक्रमण गति के कारण, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव तथा परिक्रमण गति के कारण इस सूर्य की स्थिति में क्या देखा जाता है, परिवर्तन देखा जाता है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, ऋतुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ऋतुओं का निर्माण होता है। देखिए, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, ठीक है, कहां पर, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, तो पृथ्वी पर दिन व रात की लंबाई क्या होती है, बराबर, दिन व रात की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, क्या, जब सूर्य की किरणें इस विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है तो पृथ्वी पर दिन व रात की लंबाई बराबर होती है, कितनी, 12-12 घंटे की होती है। इस स्थिति को कहा जाता है विषुव, क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। विषुव से क्या तात्पर्य है, जब पृथ्वी तथा जब पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि की लंबाई बराबर होती है उस स्थिति को कहा जाता है विषुव। और ये विषुव कब होता है, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है तब पृथ्वी पर दिन व रात की लंबाई बराबर होती है, लगभग 12-12 घंटे। इस कारण इस भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, इक्वेटर। ठीक है, आपने नाम सुना विषुवत रेखा, क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर दिन व रात की लंबाई बराबर होती है। कब बराबर होती है, 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को दिन व रात की लंबाई बराबर होती है। इस स्थिति को कहा जाता है बसंत विषुव। विषुव का मतलब होता है जब दिन व रात की लंबाई बराबर होती है, और बसंत 21 मार्च है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हम मार्च में देखते हैं तो पेड़ पौधों से उनकी पत्तियां गिरने लग जाती है और हम कहते हैं पतझड़ आ जाता है, उसके बाद उन पर नई पत्तियां आती है, उस ऋतु को क्या कहा जाता है, बसंत कहा जाता है। तो यह कौन सा विषुव कहलाता है, बसंत विषुव कहलाता है। 21 मार्च के पश्चात पृथ्वी में उत्तरायण, उत्तरायण से तात्पर्य है उत्तर की ओर गति होती है, और यह सूर्य कहां पहुंच जाता है, ऊपर की ओर गति करता हुआ 21 जून को इसकी किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। किस रेखा पर सीधी पड़ती है, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ी, जिस कारण दिन व रात की लंबाई बराबर हुई, इसे कहा हमने बसंत विषुव। 21 मार्च के बाद सूर्य ऊपर की ओर गति करने लग जाता है, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, इसकी ऊपर आखिरी लिमिट होती है कर्क रेखा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कर्क रेखा से ऊपर सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 21 जून को सूर्य कहां पे चमक रहा है, कर्क रेखा पर। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि दिन की लंबाई 24 घंटे ही होती है, लेकिन दिन बड़ा और रात छोटी कैसे होती है कि देखिए, गर्मियों में अगर आप कभी सुबह जल्दी उठे हुए हो तो आपने देखा होगा कि जो हमारा सूर्योदय है वो लगभग 5-5:30 बजे के आसपास हो जाता है, और जो सूर्यास्त होता है शाम को वो लगभग 7-7:30 बजे तक रहता है। तो प्रकाश की अवधि ज्यादा हुई, ठीक है, और रातें क्या हो गई, छोटी हो गई। ठीक है,
और सर्दियों में क्या होता है कि सूर्योदय लगभग सुबह 7 बजे के करीबन होता है और अस्त भी शाम को जल्दी हो जाता है। जो प्रकाश की अवधि है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दिन तो 24 घंटे का ही है, लेकिन दिन और रात की लंबाई में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, कितनी तारीख को सीधी पड़ती है, 21 जून को सीधी पड़ती है। 21 जून को जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इस स्थिति को कहा जाता है कर्क संक्रांति। क्या कहा जाता है? कर्क संक्रांति। आपको यह ध्यान रखना कि इस स्थिति को क्या कहा जाता है, कर्क संक्रांति कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है समर सोलिस्टाइस, ठीक है, समर सोलिस्टाइस कहा जाता है। और कर्क संक्रांति क्या होती है, जब सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इस स्थिति को कहा जाता है कर्क संक्रांति या समर सोलस्टाइस। क्या होता है, इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। 21 जून के बाद सूर्य वापस दक्षिण की ओर गति करता है। जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर। कितनी तारीख को, 23 सितंबर, ठीक है। 23 सितंबर को वापस सूर्य की स्थिति कहां पर, विषुवत रेखा पर आ जाती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसके कारण वापस दिन व रात की लंबाई बराबर होती है। इस स्थिति को कहा जाता है शरद विषुव, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, शरद विषुव कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है ऑटोनोमल इक्वी नॉक्स, ठीक है। और बसंत विषुव को कहा था हमने स्प्रिंग इक्वी नॉक्स, ठीक है। शरद विषुव क्या होता है, देखिए मई जून में हमारे भारत में गर्मियां पड़ती है, जुलाई में मानसून आ जाता है तो बरसात होने लग जाती है। जुलाई अगस्त सितंबर होता है, उसके बाद हल्की हल्की सी क्या होती है, सर्दियां आने लग जाती है। काफी तेज सर्दियां नहीं पड़ती, लेकिन सुबह और शाम के टाइम हमको क्या लगने लग जाती है, सर्दियां लगने लग जाती है। वो होती है शरद ऋतु, ठीक है, शरद ऋतु होती है। तो 23 सितंबर को, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, जब 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है तो दिन व रात की लंबाई बराबर होती है और इस स्थिति को कहा जाता है शरद विषुव, ठीक है। 23 सितंबर के पश्चात सूर्य वापस दक्षिण की ओर गति करता है और 22 दिसंबर को, कितनी तारीख को, 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति आ जाती है मकर रेखा पर। और सूर्य की किरणें कहां पर सीधी पड़ती है, मकर रेखा पर, ठीक है। जब सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी पड़ेगी तो यहां पर क्या होगा, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। देखिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सिंपल सी चीज ध्यान रखिए, जहां पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां पर सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति कहां पर है, मकर रेखा पे, ठीक है। मकर रेखा मतलब दक्षिणी गोलार्ध में, जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पे, जब सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर है तो यहां पे क्या होंगी, सर्दियां। सर्दियों में क्या होता है, रातें लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सूर्य की स्थिति में परिवर्तन। आराम से समझिए, क्या हमने पढ़ा, पहली चीज सूर्य की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति नहीं करती तो सूर्य की विषुवत रेखा पर वर्ष भर किरणें सीधी पड़ती और यहां पर क्या होता है, दिन व रात की लंबाई बराबर होती। लेकिन क्या होता है, पृथ्वी
पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, पहली चीज, तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति भी करती है। इसके कारण सूर्य की स्थिति में क्या देखा जाता है, परिवर्तन देखा जाता है। सूर्य की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हम क्या मान के चलते हैं कि भाई सूर्य की स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। 21 मार्च के दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। कितनी होती है, लगभग 12 घंटे। जब दिन व रात की लंबाई बराबर होती है, उस स्थिति को कहा जाता है विषुव। क्या कहा जाता है उसको, विषुव कहा जाता है। तो 21 मार्च को जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, उस स्थिति को कहा जाता है बसंत विषुव, ठीक है। 21 मार्च के बाद सूर्य में उत्तरायण की ओर गति होती है, मतलब उत्तर की ओर गति होती है। मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, ठीक है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, तो कर्क रेखा से ऊपर के अक्षांशों पर कभी भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है। तो 21 जून को जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, उस स्थिति को कहा जाता है कर्क संक्रांति, समर सोलस्टिस। इस स्थिति में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है। जून के बाद सूर्य वापस दक्षिण की तरफ आता है, तो जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर वापस सीधी पड़ती है, वापस दिन व रात की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इस 23 सितंबर की स्थिति को कहा जाता है शरद विषुव, ठीक है। 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिण की तरफ आता है, तो सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, इस स्थिति को कहा जाता है मकर संक्रांति। आप ये चीजें ध्यान रखनी है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है, मकर संक्रांति कहा जाता है। परीक्षा में सवाल आए मकर संक्रांति कब होती है, तो आपको 14 जनवरी नहीं लिखना है, वो अलग चीज है। जब हम इसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो मकर संक्रांति कब है, 22 दिसंबर को, ठीक है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा टॉपिक पृथ्वी की गतियां, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो आपके जो भी कंफ्यूजन है वो आप पूछ सकते हैं, कि आपको जो समझ में नहीं आया। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो पृथ्वी की संरचना, ठीक है। पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना के बारे में हमें पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें पता लगता है, कौन कौन सी पृथ्वी की परतें हैं, कैसी प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती है, किस कितने प्रकार की तरंगें होती है, ये सभी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तब तक के लिए धन्यवाद, इसको पढ़िएगा, ये पढ़ना जरूरी है। देखिए मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, भूगोल ऐसा सब्जेक्ट है जो हर चैप्टर दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आएगा तो आपको अगले चैप्टर समझ में आएंगे, अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो आपको अगले चैप्टर भी समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसको समझिएगा, रटना नहीं है, रटकर ये सवाल कभी सही नहीं होते। जो हमारी प्रयास रहेगा वो होगा चीजों को समझना। तब तक के लिए धन्यवाद।